दिल्ली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक बड़ी खबर है ये। साइबर सेल ने दिल्ली के मोती नगर में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 54 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के लोग खुद को जांच एजेंसियों का अफसर बताकर सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 2.5 साल में करीब 4,000 लोगों से बिटकॉइन के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए वसूल चुका है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये सभी देश की राजधानी में बैठे बैठे विदेशी नागरिकों के साथ लाखों करोड़ों की ठगी करने में माहिर हैं। इनके कारनामे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 54 लोगों के इस गिरोह ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अब तक 4,500 से ज्यादा विदेशियों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर दिल्ली में बैठकर ये सभी किस तरह विदेश में बैठे लोगों को अपना शिकार बनाते होंगे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। 54 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 9 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। ये जो कॉल सेंटर है, ये वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया से ऑपरेट कर रहा था और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से अलग अलग जगहों से शिफ्ट होकर ऑपरेट कर रहा था। जो हमें जानकारी अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मिली है कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से इन लोगों ने करीब 4,500 लोगों को चीट किया है पिछले 2.5 सालों में, और जो अमाउंट टेंटेटिव हमें समझ में आ रहा है जो इन्होंने इनसे फ्रॉड के थ्रू चीट किया है, वो तकरीबन 90 से 100 करोड़ के आसपास का लगभग हमें लगता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार कैसे ये दिल्ली में बैठे बैठे विदेश में बैठे लोगों को बेवकूफ बना दिया करते थे। सबसे पहले ये विदेश में बैठे लोगों का सोशल सिक्योरिटी नंबर और फोन नंबर हासिल करते थे। इसके बाद ये अपने शिकार को प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भेजते थे। फोन कॉल में ये खुद को सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी बताया करते थे और विदेश में बैठे शख्स को उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक अकाउंट को किसी अपराध में शामिल होने की जानकारी देकर डराते थे। कॉल में ये उसको ये बताते थे कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो बात कर रहे हैं और उस फॉरेन नेशनल का सोशल सिक्योरिटी नंबर और उससे लिंक जो बैंक अकाउंट्स हैं वो वहां पे क्राइम सीन पे पाए गए हैं, जो कि किसी ड्रग सिंडिकेट या इस तरह के बहुत ही गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही सामने वाला इनकी बातों में आ जाया करता था, ये उसे पैसे को बचाने और पुलिस की गिरफ्त से बचने की तरकीब भी बताया करते थे। और इनका कहा मानने वाला हमेशा हमेशा के लिए अपने पैसे से हाथ धो बैठता था। ये कहते थे कि आपका जो इस सोशल सिक्योरिटी नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, उसमें जो पैसे हैं वो फ्रीज हो जाएंगे और आप अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसी धमकी देने के बाद और अपने आप को एज सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल या US मार्शल्स के ऑफिशियल के तौर पे इंपर्सनेट करके उसको ये ऑल्टरनेटिव देते थे कि या तो आप अरेस्ट होइए या फिर आपका जो ये लिंक अकाउंट है इसके पैसे को आप सिक्योर कर सकते हैं, बिटकॉइन में ट्रांसफर कर सकते हैं और वो बिटकॉइन आप एक सरकारी वॉलेट में भेज दीजिए। दिल्ली साइबर सेल ने इस कॉल सेंटर से 90 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन, कई हार्ड डिस्क बरामद की है। अब इनकी डिटेल्स निकाली जा रही हैं, लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड जो दुबई से ऑपरेट करता है अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। में जो मास्टरमाइंड है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है कि वो इंडिया से बाहर दुबई में बैठा हुआ है और वहां से इस कॉल सेंटर को अपने टीम लीडर्स और सुपरवाइजर्स के माध्यम से ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली के मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बैठकर इस गिरोह ने US में रहने वाले लोगों के साथ ठगी की, लेकिन अब इनका खेल खत्म हो गया है। अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए इन तक विदेशी नागरिकों का सोशल सिक्योरिटी नंबर पहुंचता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।